मार्केट ने एक नया हाई बनाया। आज अगर आप निफ्टी को देखोगे या कोई भी लार्ज कैप इंडेक्स को देखोगे, सेंसेक्स को देखोगे, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स में आज ऑल टाइम हाई देखने को मिला। इट मींस कि अगर आप 52 वीक हाई का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे आंकड़े आज के दिन का दिखेगा। अब किन कारणों से आज मार्केट में तेजी देखने को मिला? सेंसेक्स और निफ्टी का अगर आज का मूवमेंट देखोगे तो करीबन 1.5% के ऊपर का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। क्या इसके पीछे रीजन है, हम इस पे आकलन रखेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए भी एक ऐसा इन्फॉर्मेशन रखूंगा जो वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वीडियो के लास्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आज का अगर मार्केट देखे तो 1.63% का जंप यहाँ पे करीबन निफ्टी 50 में देखने को मिला। सेंसेक्स में 1.61% का, निफ्टी आईटी में 1.28%, बैंक निफ्टी जो है वो 2% के ऊपर बंद हुआ है, निफ्टी मिड कैप 50 करीबन 0.40 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.24% का आज छलांग लगाता हुआ देखने को मिला। देखो, मिड कैप और स्मॉल कैप में आज तेजी का रुझान नहीं रहा, लेकिन अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स पे नज़र डालोगे या निफ्टी पे नज़र डालोगे तो आज 1.5 से 2% का जंप यहाँ पे देखने को मिला है। किन कारणों से मार्केट में आज तेजी का रुझान रहा है और क्या आने वाले समय में मार्केट में और ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है? देखो, एक पॉइंट मैं आपके सामने रख दूँ कि अगर बीजेपी सरकार फिर से बनाती है और यहाँ पे एक अच्छे बहुमत से बनाती है तो जो अभी निफ्टी आपको 22,967 के करीब में देखने को मिल रहा है, बहुत जल्दी निफ्टी यहाँ पे 24,000 के लेवल को भी क्रॉस करेगा। मैं इन्वेस्टर को ये भी बता दूँ कि ऐसे सिचुएशन में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कुछ तेज़ी देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। आंकड़े आपके सामने हैं। अदानी इंटरप्राइजेज में करीबन 7 से 8% का तेजी देखने को मिला। अदानी पोर्ट्स में भी 4 से 5%, मारुति सुजुकी में 3% के ऊपर का छलांग। लार्सन की बात करूँ तो यहाँ भी 3% के ऊपर। एक्सिस बैंक में 3.49% का तेजी देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को नीचे खींच रहे थे, जी हाँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, सन फार्मा, हिंडाल्को, कोल इंडिया और NTPC। लेकिन किन कारणों से आज तेजी का रुझान रहा? सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो अगर आप निफ्टी विक्स पे नजर डालोगे तो निफ्टी विक्स का पिछले अगर आप 21 मई से लेके अभी तक का आंकड़ा देखोगे, नेगेटिव रिटर्न है। इट मीन्स कि मार्केट में पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकता है। उसके पहले का आंकड़ा देखोगे तो एक मंथ के आंकड़ा में 107% का जंप लगाता हुआ निफ्टी विक्स देखने को मिला। और मई के महीने में अगर आप देखोगे तो वाकई में मार्केट में काफी ज्यादा दबाव था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मार्केट में तेजी देखने को मिल रहा है और निफ्टी विक्स का भी जो मूवमेंट था वो अपोजिट देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं तो देखो, FII का अगर आप सेलिंग देखोगे, मई के महीने में करीबन 38,000 करोड़ का सेलिंग हो चुका है और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो सेलिंग में कुछ कमी देखने को मिला है। जैसे कि अगर मैं 10 मई से अगर आंकड़ा देखूं तो हर जगह आप देख सकते हो 2,000, 4,000, यहाँ पे 3,000 के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है अगर मैं सेलिंग की बात करूं, नेट सेलिंग की बात करूं। लेकिन अगर आप 16 मई से आंकड़ा देखोगे तो FII के साइड से सेलिंग का प्रेशर कम बनता हुआ देखने को मिल रहा है और ये भी आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव है। अगर पूरे मई में अगर आप देखोगे तो 38,000 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली हो चुका है FII के साइड से। लेकिन अगर पिछले 4 से 5 दिनों का आंकड़ा आप देखोगे तो 2 से 2,500 का सिर्फ बिकवाली देखने को मिल रहा है, जबकि 14 से 15 दिन में यहाँ पे 34 से 35 हज़ार करोड़ का बिकवाली FII के साइड से देखने को मिला है। तीसरे पॉइंट की बात करूँ, देखो एक न्यूज़ आज आता हुआ देखने को मिला कि RBI ने यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ डिविडेंड दिया है और डिविडेंड के तौर पे अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं तो करीबन 2.11 लाख करोड़ डिविडेंड के तौर पे गवर्नमेंट को यहाँ पे दिया गया। ये जो डिविडेंड है ये 2023 और 2024 के फिनेंशियल ईयर का है और अगर इसके पहले के डिविडेंड की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पे जो आंकड़ा है 87,000 करोड़ का आंकड़ा था। तो अगर आप देखोगे तो 2 से 2.5 गुना डिविडेंड ज़्यादा मिला है अगर मैं पिछले फिनेंशियल ईयर से, जी हाँ, 2022 और 23 के फिनेंशियल ईयर से मैं कंपेयर करूँ।
कुछ और भी आंकड़े रखता हूँ। देखो बहुत ऐसी रिसर्च कंपनी है, बहुत ऐसी ब्रोकरेज हाउस हैं, फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की बात कर रहा हूँ, ऐसे ब्रोकरेज का प्रिडिक्शन है कि बीजेपी फिर से यहाँ पे सरकार बना सकती है। हालांकि इनका कहना है कि सीट 400 के पार आएगा ये तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन सरकार बीजेपी का बन सकता है। यहाँ पे जो सीट आ सकता है 350 370 के करीब में, और फिर से बीजेपी यहाँ पे सरकार बना सकता। और ये जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, जी हाँ, बहुत ऐसे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस हैं जो इससे काफ़ी ज़्यादा सहमत हैं और वो मार्केट को काफ़ी पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। ऐसे ब्रोकरेज हाउस का कोई भी प्रिडिक्शन अगर मार्केट में आता है किसी भी गवर्नमेंट को लेके, तो वाकई में मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट जरूर करता है, और यहाँ पे बायर्स का जो सेंटीमेंट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव हो गया। और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे 4 जून नज़दीक आ रहा है, मार्केट भी अपना रुख बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं फिर से बता दूं कि अगर यहाँ पे किसी का भी सरकार, जी हाँ, अगर काफ़ी ज़्यादा बहुमत से बनता है, तो यहाँ पे मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दे सकता है। अब मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करता हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करूं तो देखो, बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड AMC हैं जिनके नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। इट मींस कि व्हाट्सएप के थ्रू वो अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो अपने इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं। देखो कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं बड़े बड़े AMC के नाम से हैं, जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड के नाम से, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड के नाम से, HDFC म्यूचुअल फंड के नाम से। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे फ्रॉड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है ऐसे म्यूचुअल फंड AMC के नाम से। हालांकि कई ऐसे AMC हैं जो अपने एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और इन्वेस्टर को ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए कई ऐसे न्यूज़ मार्केट में पब्लिश किए हैं। जी हाँ, लेकिन फिर भी कई ऐसे इन्वेस्टर फंस जा रहे हैं। मैं इन्वेस्टर को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी AMC से कॉन्टेक्ट कर रहे हो और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर रहे हो, उनके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आप मैसेज सेंड कर रहे हो, तो आप पूरी तरह इंक्वायरी कर लें कि जिस व्हाट्सएप नंबर का आप यूज़ कर रहे हो, क्या वाकई में उस AMC का वो व्हाट्सएप नंबर है या नहीं है। आप उस AMC के वेबसाइट पे जाके उनका व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। टाटा म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ पे इन्वेस्टर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि उनके नाम से बहुत ऐसे फ्रॉड वेबसाइट, यहाँ पे ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जिससे इन्वेस्टर काफ़ी फंस रहे हैं और इन्वेस्टर का नुकसान हो रहा है। मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई भी ऐसा सिचुएशन खड़ा हो रहा है, आपके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो सबसे पहले आप AMC से कांटेक्ट करें, उसके साथ ही साथ आप पुलिस कंप्लेन भी करें। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि अगर आप कोई टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर रहे हो ऐसे AMC के नाम से, तो भी सावधान रहें, क्योंकि बहुत ऐसे टेलीग्राम लिंक हैं जो ऐसे AMC के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड के काम कर रहे हैं। आप सतर्क रहोगे तो आप काफ़ी सिक्योर रहोगे। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, आए क्वेरी जनरेट करें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।